है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग्स। दोस्तों देखते रहिए, आज आप ये ब्लॉग में देख पाओगे कि कैसे हम लोग विलेज में कल्टीवेशन करते हैं और सब्जी फील्ड में लेके आप लोग को सब कुछ एक एक करके दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ब्लॉग में जारी रहिए, हम लोग निकल रहे हैं। आप तो देखिए दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग निकल गए हैं। देखिए चारों तरफ अभी जा रहे हैं, उसके बाद दिखाएंगे सब्जी फील्ड का नजारा। लोग को बहुत मजेदार होने वाला है आज का ब्लॉग, पूरा देहाती टाइप का होगा। ब्लॉग में जारी रहेंगे। दोस्तों आ गए हैं गांव के लास्ट में, अभी पेडी फील्ड देखने को मिलेगा। जारी रहिए। देखिए सीधा जो रास्ता जा रहा है पूरा हम लोग का सब्जी फील्ड में पहुंच जाएंगे। ये है हम लोग का देहात का नजारा, शायद हम लोग को अच्छा लगेगा ये नजारा, देखते रहिए। पहुंचने वाले हैं फिर थोड़े ही देर में। तो दोस्तों ऑलरेडी हम लोग आ गए हैं सब्जी फील्ड में। देखिए कैसे काम चल रहा है अभी। ये है हम लोग का खेती का मालिक जो गांत लेके अभी खोद रहा है माटी। ये देखिए क्या सब लगाया हुआ है यहाँ। और दोस्तों दिखाते हैं कैसे हम लोग पानी का व्यवस्था करते हैं और पानी पटाते हैं खेती के लिए और सब्जी ग्राउंड के लिए। तो ब्लॉग में जारी रहिए, एक एक करके दिखाते हैं आप लोग को। तो चलिए चलते हैं डैम के आगे। वो जो हाउस देख रहा है वो उसमें मशीन है, उस मशीन के जरिए हम लोग फील्ड में पानी पहुंचाते हैं। देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है जो मशीन को इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, ये जो पाइप आ रहा है जो फील्ड जा रहा है। देखिए सब कोई काम में बिजी है अभी। ये देखिए है हम लोग का चेक डैम जो शायद 2-3 साल पहले बने हैं। पहले नहीं था, हम लोग ऐसा ही मिट्टी का डैम बनाते थे और यहाँ पानी का व्यवस्था करते थे। देखिए बहुत ही सुंदर नजारा है।
ये है डैम का नीचे साइड का नजारा, देखिए यही से हम लोग का पूरा खेती में पानी जाता है और पानी का पूर्ति यही से करते हैं हम लोग। बस इतना सा ही, ज़्यादा बड़ा डैम नहीं है, छोटा सा है, इसी से हम लोग का फार्मर सब पूरा पानी यूज करते हैं और कल्टीवेशन जारी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ नया दिखाने का कोशिश करेंगे, देखते हैं, पूरा ब्लॉग में देखिए। हाँ तो दोस्तों, अभी थोड़ा यहाँ जो ये लोग खेती करते हैं, इन लोग के पास थोड़ा वो जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्या क्या बोलता है देखते हैं, थोड़ा बहुत कैसे लोग कल्टीवेशन शुरू, मतलब कैसे कल्टीवेशन करते हैं, कैसे ये लोग अपना खेती को तैयार करते हैं, सब चीज़ थोड़ा बहुत पूछते हैं, जानते हैं क्या क्या आप लोग को अभी। तो ये रहा हम लोग का खेती का मालिक, इससे कुछ पूछने जा रहे हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं। तो हम आपको बोलते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ का जमीन रेडी करते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी दे दो हम लोग का जो ऑडियंस है सबको। ये हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कम से कम 4-5 दिन तक इसमें हाल चलाते हैं, उसके बाद धूप में सुखाते हैं, फिर उसके सूखने के बाद धीरे धीरे उसके बाद मिट्टी बन जाता है एकदम पाउडर की तरह जैसे हो जाता है, उसके बाद पोत देते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं एक दिन बाद, फिर गच निकल आता है पेड़। क्वेश्चन है कि अभी आप लोग को खेती में क्या क्या लगाए हैं, थोड़ा वो जानकारी दे दो ऑडियंस को। अभी आलू है, बीम है, धनिया है, गाजर है, मूली है, और बस इतना ही, और भी कुछ देंगे देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। तो लगभग कितना दिन लगता है पूरा सब्जी मार्केट तक पहुंचाने में यहाँ से? कम से कम 3 महीने लग जाता है मार्केट तक पहुंचाने में, या फिर तो खरीदार हमारे घर आ जाते हैं, यहीं से उठा लेते हैं। तो बेचने में कितना, मतलब कितने में बेचते हैं आप लोग, ये सब्जी हो जाता है उसके बाद कितना रेट रहता है उस समय? तो हमारा इधर थोड़ा कम रहता है, बाद में वो खरीदार लोग बेच देते हैं। यहाँ मार्केट कहाँ, आप लोग का मार्केट कहाँ मिलता है? यहाँ बलरामपुर है, यहाँ सामने सुशिया है, और यहाँ हमारा छोटा मोटा बागमुंडी। ये सब आप लोग क्या खाने के लिए बना रहा है कि मार्केट में बेचने के लिए बना रहा है? हाँ, घर में भी खाना बनता है, तो फिर बाजार में भी ले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बिकते भी है। तो इसमें प्रॉफिट होता है कि आप लोग का लॉस होता है? नहीं, प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं होता है, थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, बस इसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा होता है। मेहनत ज्यादा होता है तो मेहनत के उतना आप लोग का प्रॉफिट नहीं होता है? नहीं, हो जाता है, बेचने से प्रॉफिट आ जाता है। हाँ। लॉस नहीं होता है? नहीं। तो ऐसे सुना देता है बाहर में कि अभी यहाँ का मतलब जो है क्या बोलते हैं चासी लोग सुसाइड वगैरह कर रहा है, तो ये सब कैसे कहाँ से आ रहा है, तुम लोग मेरा प्रॉफिट हो रहा है? वो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी
मतलब पूरा पूरा जमीन का मतलब फसल पूरा एकदम बर्बाद हो जाता है। तो कभी कभी होता है ऐसा, थोड़ा काम होता है। और पानी पानी कहाँ से लाते हैं लोग जो यहाँ खेती में देने के लिए? हमारे सामने नदी है, हाँ यहीं से लाते हैं टुल्लू पंप में। सरकारी है और सामने इधर एलआई आरएलआई भी है, यहीं से भी कभी कभी। तो ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहते हैं? तो आप ये खेती के अलावा और क्या क्या करते हैं? खेती के अलावा हम पढ़ाई करते हैं, अभी कॉलेज में है। अभी कौन सा ईयर में है? फर्स्ट ईयर में है। तो मतलब इतना कुछ कर पाते हो? हाँ थोड़ा करना पड़ता है, घर में भी थोड़ी बहुत परेशानी है इसकी, खेतीबाड़ी भी करना पड़ता है। और तो पढ़ाई में आप किस में ज्यादा ध्यान देते हैं, खेती में या पढ़ाई में? नहीं दोनों में ध्यान देना पड़ता है, इधर के इधर से भी टाइम निकल के उधर कॉलेज जाना पड़ता है। इतना हार्ड वर्क कर पाते हो? हाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ता है बस। तो ठीक है, इंटरव्यू देके बहुत अच्छा लगा, खुश रहो, खेती करते रहो, हम लोग को सब्जी देते रहो और पढ़ाई भी जारी रखो। आशा करता हूँ कि बहुत कुछ कर पाओगे तुम। ठीक है आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों इंटरव्यू देके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा। तो दोस्तों हम यहाँ आप लोग को एक बात कहना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ विलेज में जो लड़का अभी इंटरव्यू दिया, वो लड़का इतना हार्ड वर्क करते हैं फिर भी इतना खुश है और अपना काम अभी तक मतलब वो हार नहीं माना है। तो यहाँ से आप लोग को तो एक मोटिवेशन भी मिल सकता है अगर आप ठीक से ध्यान दीजिएगा तो, क्योंकि अपना पढ़ाई भी कर रहा है और यहाँ खेती का काम भी कर रहा है। तो दोस्तों हम एक बात कहना चाहते हैं आप लोग को कि आप लोग जो जो फील्ड में है, जो जो फील्ड में आप लोग इंटरेस्ट है और जो जो फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू करिए, कभी ना कभी आप लोग को सक्सेस मिल ही जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।